जय जिनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहा नगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवाय देव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की। माटी पश्चाताप कर रही है इस कारण से कि गधे की पीठ पर जो छिलन जलन है उसमें निमित्त कारण मैं ही हूँ। पश्चाताप की आग में झुलसती सी माटी, कल अपनी बात हुई थी, चार प्रकार के आंसू होते हैं, अपने दुख में, दूसरे के दुख में, पश्चाताप में और कृतज्ञता में। इनका बहुत महत्व है। पहले आंसू सबके पास हैं जिसका कोई महत्व नहीं है। तीन आंसुओं की आवश्यकता है, दूसरे के दुख में आंसू आना, पश्चाताप में आंसू आना और कृतज्ञता के आंसू आना। ये बहुत महत्वपूर्ण थे और उसे देखकर वहीं पली पड़ी पड़ी भीतरी अनुकंपा को चैन कहाँ, और फिर वहीं अंदर पड़ी हुई अनुकंपा को चैन कहाँ। क्यों? क्योंकि जैसे वह दुखी हो रही है माटी, वैसे गधा भी दुखी हो रहा है। एक दूसरे के दुख को समझ रहे हैं। प्रश्न नंबर 36 है। हाँ, तो भीतरी अनुकंपा को चैन कहाँ, सहा नहीं गया उससे, रहा नहीं गया उससे, और वह रोती विलकती दृग बिंदुओं के मिस स्वेद कणों के बहाने बाहर आ पूरी बोरी को भिगोती सी अनुकंपा, और वह बोरी भींग गई जिसके माध्यम से रगड़ हो रही थी, अब भींग जाएगी तो रगड़ कम हो जाएगी। हम कर भी क्या सकते हैं, संसार के सारे गम दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन जिस रास्ते से गुजरेंगी उस रास्ते के कांटे तो कम कर सकते हैं। महापुरुषों का यही तो मार्ग है कि हम भले हम किसी का दुख दूर ना करें पर प्रयास तो करें। प्रयास करना और ना करना ही तो धर्म और अधर्म है। कार्य की निष्पत्ति और अनुष्पत्ति में कोई धर्म नहीं। हमने भाव किए, कहा है राग आदि नाम हिंसा, राग द्वेष करने का नाम ही तो हिंसा है, और यदि राग द्वेष से बच गए इसी का नाम
अहिंसा है। एक सज्जन थे बरेली में, अभी हैं, प्रेमचंद जी जैन। वह बहुत साहित्य पढ़ते थे। एक बार हम प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने तर्क किया, महाराज श्री हम तो पानी पी रहे हैं, हमारे भाव थोड़े इसमें जीव मर जाएं, छानने की क्या आवश्यकता है, हमारे तो भाव हैं, हमें क्या करना है, छान कर पानी पीना है या बिना छना पीना है, हमारे भाव ही नहीं इसके अंदर की जीव मर जाएं। जब हम भाव करेंगे तो हमें दोष लगे, हम तो कहीं का भी पानी पी सकते हैं और पेट में तो जाके संरक्षित और हो जाएंगे। वो बहुत कठिन प्रश्न सामने लोग खड़ा कर देते हैं। हमने कहा जीव के मरने और जीने पर हिंसा अहिंसा नहीं है, अहिंसा तो तुम्हारे परिणाम पर है ना। प्रमत्त योगात प्राण विपरीतम हिंसा, जहां प्रमाद का योग है और वहां प्राणियों का घात होता वहां हिंसा है, जहां प्रमाद का योग नहीं है हिंसा हो भी जाए तो वहां पाप नहीं है। मुनिराज यत्नाचार पूर्वक चार हाथ जमीन देखकर चल रहे हैं, फिर भी यदि उनके हाथ पैरों से कोई जीव मर जाता है उन्हें कर्म का बंध नहीं होगा। लेकिन आप लोग चल रहे हैं बिना देखे, भले जीव ना मरे फिर भी हिंसा का दोष लगेगा, कर्म का बंध होगा। आपने प्रमाद किया, छाना क्यों नहीं, ये भाव सत्य है। आचार्य कहते हैं छान करके आप पानी पीजिएगा, ये भाव सत्य को स्वीकार करो। जीव छने या ना छने ये नहीं, आपको छान कर पीना है और 48 मिनट की मर्यादा है, और आप यदि पानी को उबाल लेते हैं तो 24 घंटे की मर्यादा समय जीव नहीं पड़ते। ये भाव सत्य है, भगवान ने कहा है, इसे स्वीकार करना और बचना, इसी का नाम अहिंसा है। आपने पाटा उठाया खिसकाया, उठाना अलग और खिसकाना अलग है। भले जीव ना मरे पर आपने प्रमाद किया, उसमें पाप का बंध तो होगा ही होगा। फिर हमने उनसे पूछा आपके तर्क में तो हिंसा और अहिंसा कुछ होती नहीं, ऐसे नहीं होती कि जीव जो है वो कभी मरता नहीं और शरीर पुद्गल है, वो तो जिंदा है ही नहीं, फिर शरीर से यदि आत्मा अलग हो गई तो किसको मारा हमने, बोलो ना। तुम कहते आत्मा को मारा, वो तो कभी मरती नहीं, तुमने कहा शरीर को मारा, वो जिंदा कब था, वो तो जड़ था, फिर कहाँ बनेगी हिंसा और अहिंसा। याद रखना जो तुमने उसे मारने के क्रूर परिणाम किए उसी का नाम हिंसा है। किसी को आपने गोली चलाई वो बच गया, पर आप जेल जाओगे कि नहीं जाओगे, बचने के बाद भी जाना ही पड़ेगा। और एक व्यक्ति मात्र बंदूक चलाना सीख रहा है, उसके बीच में कोई आ जाए उसे रिहा कर दिया जाता, बोलो ना, उसके मारने का भाव नहीं था फिर भी जीव मर गया तो भी कर्म का बंध नहीं। और ये मारने का भाव था, जीव बच गया, फिर भी जब उन्हें समीकरण समझ में आया कि जो संयोग भाव था जीव का और पुद्गल का, वो अलग करना इसी का नाम, तो 10 प्राणों को का वियोग का नाम ही तो मरण है, निश्चय में तो मरण भी नहीं होता और जन्म में व्यवहार की बात है। ये जब उन्हें समझ में आई, उन्होंने तत्काल इस बात को स्वीकार किया और उसी दिन से वो अपना एक बर्तन लाते और कुएं से छान कर बिलछानी वहीं भेज करके फिर पानी पीते। उन्हें समझ में आई, आज भी हैं वो, उनके मन में ये बात आ गई, समझ में आ गई। और मूक माटी जब पढ़ा रहे थे तो उन्होंने मूक माटी की काव्य लिखी, जो हम पढ़ाते थे तो उस पर काव्य लिखते, उन्होंने उस समय 300 काव्य लिख लिए थे, मतलब ये लाइन पढ़ करके इसका भावार्थ कविता के रूप में सुने ना। कहने का तात्पर्य ये है कि आदमी के लिए यदि सही मार्गदर्शन मिले, समझे दया क्या है, अनुकंपा है, तो पालन अवश्य करता है। और कई लोग ऐसे हैं जो दया को मानते ही नहीं, हम किस जीव को बचा सकते, किसको मार, ये तो भ्रम है, स्वयं होता जगत परिणाम में क्या करता, ऐसा करता जाता है। ये पुरुषार्थहीन लोगों के वाक्य हैं, इनके हैं
केवल ज्ञानी की तो बात केवल ज्ञानी जाने, हमें क्या करना ये केवल ज्ञानी क्यों बता के गए? फिर हमें दया का पालन करना, ये सब करना। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि अनुकंपा की बात है ये। इस विषय में किसी भांति हो नहीं सकता संशय कि विषयी सदा विषय कसायों को ही बनाता अपना विषय, और हृदयवती आँखों में दिवसो या तमस चेतना का जीवन ही झलक आता है, भले ही वह जीवन दया रहित हो या दया सहित। सही चल रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं? अब एक थोड़ा सा विषय मोड़ लेता है और कहा जा रहा है इस विषय में किसी भांति भी नहीं हो सकता संशय। अब कोई संशय नहीं, और आगे भी कह रहे और दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है। कह रहे हैं इन्हीं प्रसंगों के बीच दया भावों का भी प्रकाश डाला गया। अनुकंपा और दया के विषय में यह कहना उचित होगा कि जिनकी आंखें करुणामयी हृदय को धारण करने वाली हैं, सुने ना कैसी हृदयवती, हृदयवती आंखों में, अर्थात जिनकी आंखें क्या करने वाली हैं, करुणामयी हृदय को धारण करने वाली, उन आंखों में कोई चेतन हो या अचेतन, दिवस यान दिन हो तमस यान रात हो, तो भी उनके अंदर दया आ जाती है। चाहे दया रहित जीव हो अर्थात क्रूर जीव हो उस पर भी, या दया सहित जीव हो जिसके अंदर करुणा है, जिसकी आंखों में चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, और चाहे क्रूर परिणामी हो चाहे दयावान हो, सभी के प्रति करुणा झलक ही जाती है। करुणावान जीव की करुणा है। अब पहले नीचे का अर्थ लें फिर ऊपर से जोड़ेंगे उसको, तब अर्थ समझ में आएगा। तो इस प्रकार का ये कह रहे हैं दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है। बोलते हम जीव विज्ञान पढ़े हुए हैं, बॉटनी पढ़े हुए हैं, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब क्या है? जीव विज्ञान पढ़ने का अर्थ क्या है? यदि आप जीव को समझ करके उनको बचाने के भाव करते हैं, हिंसा से बचते हैं, तभी आपका पढ़ना सार्थक है, वरना जीवों का परिचय लेने के लिए से क्या होता है? वो तो ऐसा हो गया कि आप दुकान पर गए, हलवाई की पूरी रसोइयों की लिस्ट बनाई और चले आए, पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। ऐसे जीव विज्ञान पूरा आपको आता है तो उससे क्या होने वाला है? और आपने एक ही मिठाई खरीदी और खा ली, पेट भर जाएगा? वैसे जीव विज्ञान का सही परिचय यह है, यदि आपने जीवन में जीवों की रक्षा कर ली तो समझो आपको जीव विज्ञान का परिचय हो गया। बाकी जीवों को जानने से अकेले क्या होगा? दया का भाव तो अंदर हो, जीवों को बचाने के भाव तो अंदर हो आपके, तभी तो है। कह रहे जिसके अंदर दया होती वो ये नहीं सीखता कि क्रूर परिणामी है कि दयावान है, सब पर दया करते हो। सांप आ जाए तो दया है, शेर आ जाए तो दया है। कुछ लोगों का तर्क होता है हिंसक पशु को तो मार देना चाहिए क्योंकि बहुत से जीवों को मारता है, शेर है सांप है, इन्हें मार दो क्योंकि इनसे बहुत से जीव मरते हैं, कुछ ऐसा तर्क देते हैं। पर मैं पूछना चाहता हूँ हिंसक को मारने का आपने कहा है, पर आपने शेर को मार दिया, आप हिंसक हुए कि नहीं? फिर आपको, फिर उसको कितनों को मारोगे, क्या करोगे? यहाँ कहा है क्रूर पर भी दया, दया रहित जीव पर भी दया, ये सबसे बड़ी दया का उत्कृष्ट उदाहरण है, आदर्श दया यही है कि हम निर्दयी पर भी दया करें। दयावान ये नहीं देखता कि दयावान है कि निर्दयी है, सब पर दया करना तो करना है। गले में सांप डालने वाले राजा सैनिक और सांप को अलग कराने वाली रानी चेलना जब दोनों नमस्कार करते हैं तो दोनों को महाराज का एक सा आशीर्वाद प्राप्त होता है, अवसर करने वाले को भी और दूर करने वाले को भी, उनकी दृष्टि में ना कोई शत्रु है और ना कोई मित्र है। ऐसी दयावान जीव के अंदर, चाहे वह दयालु व्यक्ति हो चाहे निर्दयी व्यक्ति हो, सबके प्रति दया का भाव उत्पन्न होता है क्योंकि वो हृदयवादी आँखें हैं ना, दया से भींगी हुई आँखें हैं ना,
ध्यान रखो, जिनकी आंखों में दया नहीं है उनकी आंखें नारियल में बनी दो निशान के समान है। आपने देखा नारियल, उसमें दो आंखें बनी रहती हैं, उनको दिखता है क्या नारियल को, कोई फायदा है क्या नारियल को? ऐसे यदि दया नहीं है उन आंखों में तो समझना ये नारियल में बने छेद के समान है जिसमें कुछ भी नहीं। हृदय तो हो आपके अंदर, लगे तो ये जीव का संरक्षण करना है, बचाना है, ऐसी भावना तो अंदर से आना चाहिए। ये भावना बहुत कम लोगों के अंदर आती है कि जैसा मैं जीव हूँ वो सामने वाला जीव है, उसकी बचाने के भाव। जीव विज्ञान का सम्यक माने सही समीचीन परिचय वही है। कह रहे हैं इस विषय में किसी भांति हो नहीं संशय कि विषयी सदा विषय कसायों को ही बनाता, ऊपर वाला विषय कि एक, हाँ ये बात जरूर है कि मन में प्राणी मात्र के प्रति दया के परिणाम होना ही जीव संबंधी जानकारी का परिचय है या उपयोग है, किंतु पंचिंद्री विषयों में लगे हुए, किसमें लगे हुए हैं? ऊपर नीचे आ रहा है ये विषय, हाँ समझ में तो आ रहा ना, ये सम्यक परिचय। लेकिन जो विषयों में लगे हुए व्यक्ति हैं, कहाँ पर लगे हुए हैं? पंचिंद्री के विषयों में लगे हुए व्यक्ति हैं, लिप्त हैं, बड़े स्वार्थी हैं, वो विषय कसाई हैं, भोगों की पूर्ति में लगे रहते हैं, उनके हृदय में पर के प्रति दया नहीं आ सकती, वो पर की दया का पालन नहीं कर सकते। क्यों? मांस लोलोपी, जिब्बा लोलोपी व्यक्ति कहाँ दया का पालन करेगा? जीव का स्वाद जीव का स्वाहा करने में लगा हुआ है। स्वाद के लिए कितने जीवों को मार देता पता नहीं, अपनी जीव का पानी दूसरे की आंखों का पानी नहीं देख पाता। दूसरे की आंखों का पानी समझ रहे हो? आंसू, क्योंकि जिब्बा में पानी आ गया, ये खाना है। जितनी हिंसा आदि खाने पीने में करता है शायद ही और कोई चीज में करता हो, कितनी हिंसा होती है। यदि देखा जाए तो एक बूंद अनछने पानी में या आलू का, या आप सुई चुभाएंगे आलू में, जितना भाग सुई में चिबक जाएगा इतना सा कण, सुन रहे हैं, उस में इतने जीव होते हैं। यदि वो कबूतर का आकार ले लें तो जम्बूद्वीप भर जाएगा। किसमें? आलू में ऐसी सुई चुभ हो गई, उसमें जितना भाग चिबक गया सुई की नोक के बराबर, उसमें इतने जीव होते हैं। यदि वो कबूतर का आकार ले लें तो जम्बूद्वीप भर जाए। यही पानी की बात है, एक बूंद में इतने जीव होते हैं। ये कबूतर का आकार ले लें, इतने बड़े हो जाएं तो पूरा जम्बूद्वीप भर सकते हैं। अब सोचिए, अब अपना मुक्का पानी क्या कर रहा है? रात्रि भोजन करने वाले को महान पाप लग रहा है, पर विषयों में लगा हुआ है, उसे क्या खाया पिया और मौज उड़ाओ, बस यही है। ईट ड्रंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ। ऐसे व्यक्ति के लिए दया कहाँ से समझाएं? उसके जीवन में दया समझ में आएगी ही नहीं, निर्दयता के साथ ये सब। होटल का भोजन करने वाले के पास दया कहाँ से आएगी? ब्रेड खाने वाले के पास, पाव भाजी खाने के पास, साबुदाना खाने वाले के पास दया कहाँ से आएगी? और जी आजकल बहुत सारे फ्रूट्स चल गए हैं, कौन से फ्रूट्स चल रहे हैं? अभी तो बंद है वैसे कोरोना में, फास्ट फ्रूट्स वगैरह क्या गए, सब चल रहे हैं। बस तो समझो ये कैसे, घर का आपको पसंद नहीं है मैगी सिमैया, और कहाँ का खा रहे हैं? बाजार का नवी, क्या क्या नाम हमें तो नहीं पता, नफीस, क्या क्या नाम है। ये सब पूरे हिंसा से बने हुए हैं, एक भी अहिंसक पदार्थ नहीं है, सब खाते चले जा रहे हैं। सजाने में नाखून पॉलिश, लिपस्टिक, ये सब। कुछ लोगों तो ये भी पता नहीं है कि चौके में कैसे पड़गान होना पड़ता है, नाखून पॉलिश वालों से पड़गान हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बहुत कठिन है। आज दया का उपदेश देना, दया को समझना बहुत कठिन चीज होती चले। इसलिए कह रहे विषयों में जो आसक्त है वो क्या समझे दया क्या होती है। पंचिंद्री के विषय, मेरे पेटे हाओ मैं न दया हूँ काऊ, ये तो फिर भी ठीक है,
पर नहीं, जैसे तैसे कुछ भी हो, मेन केन प्रकारेण मेरे तो पेट में जाना चाहिए, सामने वाले का कुछ भी हो जाए, ये स्थिति है। और पेटी भरने वालों की भी ये स्थिति है, हमें तो पैसा चाहिए, किसी का पेट कट जाए तो हमें क्या लेना देना। लोभ के कारण, चाहे वह भोजन का लोभ हो, चाहे पैसे का लोभ हो, चाहे अर्थनीति पुष्ट करने का, तभी तो कत्ल खाने हैं, देश को भी अर्थनीति करना है। आचार्य से कहते हैं, आज तक इतने इतिहास हमने देखे, किसी इतिहास में भारत का ऐसा नहीं मिला कि खून बेच करके, मांस बेच करके किसी ने अर्थनीति पुष्ट की हो, लेकिन वर्तमान में अर्थशास्त्र यही चल रहा है। बहुत कठिन हो गया, पंचेंद्र के विषयों में लगे व्यक्ति को करुणा कहाँ से सिखाएं, विषय भोगों में लगे हुए व्यक्ति को कैसे बताएं कि जीव हैं। कुछ लोगों की धारणा है जो छोटे छोटे जीव बने वो सब खाने के लिए बने हुए। सोचो, एक बात मैं आपको बता दूं, अन्यथा नहीं लेना, पर मुझे उस दिन थोड़ी सी तीव्रता आ गई थी तो मैंने बोल दिया था, वो बात यहाँ की नहीं, सीहोरा की है। यदि बात समझ में आए तो आप तालो जरूर बजाना, क्योंकि आज के युवा को और युवती को समझाना बहुत जरूरी है। सीहोरा पता है ना, जबलपुर के पास है, पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी का जन्म स्थान है सीहोरा। वहाँ पर प्रवास चल रहा था, ग्रीष्मकाल था, आचार्य समय पनागर में थे, कहीं बाहर से पढ़ करके एक बच्ची उस गांव की, गांव में आई थी, प्रवास चल रहा था, मैं थोड़ा उपदेश दे रहा था, उसने मुझसे एक ही तर्क दिया, बोले महाराज जी आजकल जो हैं हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो उस समय हमारे फ्रेंड हम लोगों को शराब पीने के लिए मजबूर करते हैं और एक ही बात कहते हैं, शराब और शरबत में अंतर क्या है, अंगूर की शराब बनती और अंगूर का शरबत बनता है, अंतर क्या है? हम नहीं जानते इसमें जीव है कि नहीं है, आप तो बताओ अंतर क्या है। महाराज जी हम उन्हें कैसे समझाएं आज की बच्चियों के लिए, मतलब फ्रेंड वगैरह को, कि शरबत और वो नहीं समझते कि सड़ रहा है, जीव पड़ रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, वो ये नहीं समझते, हम तो ये बताओ कैसे समझाएं ये गलत है ये सही है, शरबत सही है और शराब गलत है, कैसे समझाएं। हमने कहा उनको समझा देना ठीक है, हमने उनको एग्जाम्पल दिया, हमने कहा सुनो आपका भाई है, आपके पिता हैं, जब आप घर आते हो, घर से जाते हो तो माता पिता गले मिलते हैं, तुमसे भाई गला मिलता है, हाँ महाराज जी, लेकिन यदि आप रास्ते में चले जा रहे, किसी आवारा लड़के ने आपको गले लगा लिया तो क्या होगा, क्रिया तो एक सी है ना, बोलो ना, गले लगाने की, जैसे आपने कहा कि शरबत पियो या शराब, दोनों किसकी है, अंगूर की है, अरे महाराज ये तो अधर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा, किसी आवारा लड़के ने तुम्हें गले लगा लिया तो अधर्म और पाप हो जाएगा, और माता पिता ने लगाया तो प्रेम और धर्म हो जाएगा, बस यही कहना चाहता हूं, यदि तुम शरबत पियोगे तो सात्विक हो जाएगा और शराब पियोगे तो पाप हो जाएगा। उस बच्ची को ये बात समझ में आई, उसने कहा महाराज जी अब तो हम अपने फ्रेंड को बता सकते हैं, ये आज कल्चर चल रही है, शराब और शरबत में अंतर क्या है, पहले प्रेम हो या पहले विवाह हो, इसमें क्या अंतर है। ध्यान रखना, जो पहले प्रेम कर लेते हैं बाद में विवाह करते हैं फिर जीवन में तबाह हो जाते हैं, और पहले विवाह होता है बाद में प्रेम होता है उनका जीवन में वाह वाह होती है। ये समझाना बहुत कठिन है आज की युवकों को, हम उसके साथ जीवन ही व्यतीत करना है, मतलब अनैतिक तरीका अपना और जीवन जीने का, ये क्या हो गया, ये कुछ समझ में नहीं आता, बहुत मुश्किल हो गई है विषयों में अंधे व्यक्ति के लिए समझाना कि दया क्या है, धर्म क्या है, सात्विकता क्या है, नैतिकता क्या है, बहुत मुश्किल हो गया आज, बहुत कठिन काम हो गया इन सब चीज़ों को समझाना। आज ऐसा लगने लगा है जैसे ये सब फालतू की चीज़ें हों। एक बार आचार्य के मुख से निकला था, आज मोह पालतू हो गया है इसलिए आदमी के लिए धर्म फालतू हो गया है, मोह पालतू हो गया, धर्म कैसा हो गया,
फालतू किसी ऐसी विषयों में लगे व्यक्ति को क्या समझाएं, दया क्या है, अहिंसा क्या है, करुणा क्या है, आगे चलते हैं। परंतु पर दया करना बहिर दृष्टि सा, मोह मूढ़ता सा, सौ परिचय से वंचित सा, अध्यात्म से दूर प्रायः लगता है। ऐसी एकांत धारणा से अध्यात्म की ब्राधना होती है। सुनिएगा, बहुत मार्मिक बात है, निश्चय और व्यवहार की बात चल रही है। द्रव्यान योग का कथन यहाँ पर सामने आपके रखा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है? दूसरों की दया करना अपने स्वरूप यानि आत्म ध्यान को छोड़कर परोपकार में लगना मोह अज्ञानता का फल है। प्रायः अध्यात्म से दूर जैसा लगता है कि दया का पालन कर रहे अध्यात्म से दूर हो गए, ऐसी एकांत धारणा नहीं बनानी चाहिए। क्या कह रहे हैं आचार्य जी? कुछ लोग एकांत धारणा बना लेते हैं ना कि भाई ये जो दया में लगे हैं, गौशाला का उपदेश दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये अध्यात्म से दूर हो गए, ये आत्म तत्व से विमुख हो गए, इस प्रकार का उपदेश दे रहे हैं, हथकरघा का उपदेश दे रहे हैं। अरे ये तो अध्यात्म से दूर हो गए, ऐसी एकांत धारणा मत बनाओ, क्योंकि दया के बिना कभी जिया धर्म अध्यात्म धर्म आ ही नहीं सकता। दया का पालन नहीं होगा तो अध्यात्म में नहीं आ सकता। मैं तो बताऊं आपको, मेरा चिंतन कहता है कि हे आचार्य, हे साधु परमेष्टी, आप तो कपड़े पहनते ही नहीं हो, लेकिन हम लोगों के लिए ऐसा कोई उपाय बताओ ताकि हम अहिंसक कपड़े पहन सकें। यही मनोवृत्ति, इसी भावना को लेकर के शायद आचार्य ने हथकरघा के लिए आशीर्वाद दिया होगा कि अहिंसा का पालन इसके माध्यम से हो सके। अहिंसा का उपदेश देना साधुओं का परम कर्तव्य होता है, क्योंकि अहिंसा के बिना अध्यात्म प्रारंभ होता ही नहीं। बाहर में जब तक महाव्रत नहीं होंगे, सबसे पहला अहिंसा महाव्रत नहीं होगा, अंदर आप रत्नत्रय और निर्विकल्प समाधि में जाएंगे कैसे, लीन कैसे हो पाएंगे? जब बाहर से रत्नत्रय नहीं है तो अंदर से रत्नत्रय कहाँ से घटित होगा? पानी के मंथन से क्या नवनीत पाओगे? दही होगा तभी तो उसका मंथन हो पाएगा। इसलिए अहिंसा धर्म की बहुत आवश्यकता है, पर विषयी आदमी को कौन समझाए? वो तर्क में कुतर्क करता जाता है, ऐसा है ऐसा है, कोई तर्कों का कोई हिसाब नहीं है, तर्क का तो उत्तर दिया जा सके। और कभी कभी कहते भी हैं आचार्य, समझदार का कोई भी उत्तर दे सकता है पर मूर्खों को तो कोई समझा ही नहीं सकता। मूर्ख से मौन, दुर्जन से दूर, सज्जन से बात और साधु के साथ, चार बातें याद आ गई आपको? वही चार बातें, मूर्ख से मौन, दुर्जन से दूर, सज्जन से बात और साधु के साथ। ऐसे मूर्ख लोगों से मौन होने में ही हमारा और तुम्हारा फायदा है, दुर्जन से दूर होने में ही सबका फायदा है, साधु से बात, सज्जन से बात करने में फायदा है और साधु के साथ रहने में फायदा है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि ये एकांत धारणा बना ली लोगों ने कि दया करना तो भैया आत्मा से दूर हो जाते हैं, हम आत्मस्वरूप से वंचित हो जाते, बहिर दृष्टि चली जाती, हमारी बाहर दृष्टि जाती है, हमारी दृष्टि अंदर में ही आना चाहिए। ये तो मोह सा लगता है। क्या लगता है? मोह मूढ़ता। अच्छा, कोई यहाँ पर पढ़ा लिखा वाली बैठा हो तो बताए, दया किस कर्म के उदय से उत्पन्न होती है? अब चुप क्यों हो गए आप? एकाध व्यक्ति कोई बता दे कि दया किस कर्म को से उत्पन्न होती है? वो तुम्हें पता है, आपने कर्म पढ़े? आठ कर्म नहीं पढ़े आपने? ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहिनी, अंतराय,
नहीं पढ़े, आयु नाम गोत्र, ये कह रहे ना मोह मूर्ता सा, तो पूछना चाहता कौन से कर्म को जैसे आपको दया के भाव होते। ज्ञानावरणी और कोई मोहिनी से, हाँ वो तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, और क्या कह रहे हैं, मोहिनी कर्म से दया होती है। उसमें लिखा है कि निर्मोही का चिन्ह है और मोही का चिन्ह, मोही कभी दया का पालन कर ही नहीं सकता। मोह वो राग है तुम्हारा, राग है वो दया नहीं, वो दया में नहीं आएगी। जिससे आपको मोह है उसकी आप सेवा कर रहे हो तो ये राग है, ये धर्म नहीं कहलाएगा। जिससे राग नहीं है, रास्ते में कोई मिल गया चीटी से राग नहीं है उसको बचा रही, दया कहलाएगी। हैं वेदनी कर्म में साता लें क्या साता लें, हैं साता वेदनी, साता वेदनी काम तो सुख देना है, सुख देना है। अच्छा जी, और नई पद्धति आ गई, इसलिए तो आप लोग जवाब नहीं दे पाते। सामने वाले निश्चयाभासी कुछ भी बोलते रहते हैं और आप सुनते रहते हो, क्योंकि आपके पास जवाब देने की क्षमता ही नहीं, स्वाध्याय नहीं। सुन लो, करुणाए जीवस्य सहावश्य कम जनतत्व विरोधादो, धवला जी ग्रंथ में लिखा 13वीं पुस्तक में 362 पृष्ठ पर, 13वीं पुस्तक में क्या लिखा है कि करुणा जीव का स्वभाव है, ये कर्म की वजह से नहीं होता, जो मानता है वो आगम से विरोध चल रहा है। जीव करुणा, करुणा जीव का स्वभाव है, दया करुणा जीव का स्वभाव है, इसे कर्म से उत्पन्न होना मत मानना। आप स्वभाव में नहीं हो, विभाव में चल रहे, इसलिए हिंसा कर रहे हो। दया करना तो जीव को स्वभाव है, इसमें कर्म का कोई हस्तक्षेप है ही नहीं। जैसे आप जीव क्यों हो, कौन से कर्म से जीव हो आप, मनुष्य नहीं पूछ रहा हूं, जीव पूछ रहा हूं, जीव कौन से कर्म को दया से हो आप। जीव भी स्वभाव है, पारिणामिक भाव है। कौन सा भाव है, देखो आप लोग तत्वसूत पढ़ते हो, जीव भव्या भव्यत्वानी चे, पढ़ते ना, जीव भव्य और अभव्य पारिणामिक भाव हैं। चे शब्द से और ले लेना, दया करुणा ध्यान ये सब चे शब्द में गर्भित हो जाते हैं, सुन रहे ना, ये जीव के स्वभाव हैं, पारिणामिक भाव हैं। पारिणामिक भाव किसे कहते कोई बताएगा, पारिणामिक भाव किसे कहते हैं। कर्म निरपेक्ष भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं, जिसमें कर्म का उदय उदीर्णा क्षय क्षयोपशम कुछ नहीं चाहिए। कर्म निरपेक्ष भाव, कर्म की कोई अपेक्षा नहीं रखता, उस भाव का नाम कर्म निरपेक्ष भाव, उसका नाम पारिणामिक भाव है। आप जीव क्यों हैं, स्वभाव पारिणामिक भाव। आप भव्य क्यों हैं, स्वभाव पारिणामिक भाव। आप अभव्य क्यों हैं, ये स्वभाव पारिणामिक भाव है। इसमें कर्म का कोई नहीं, कोई यदि अभव्य है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि पारिणामिक भाव है। सुन रहे ना, इसी प्रकार से दया करुणा भी पारिणामिक भाव, ये बात अलग है। विशेष दया करुणा जब वृत्ति बन जाती तब उत्पन्न होती है, विशेष क्षयोत्सम बढ़ जाता तब, लेकिन जीव का स्वभाव है करुणा। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपके लिए। महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, आपको पता है, उस समय इतने प्रचार प्रसार के साधन नहीं थे, रेडियो में उनकी न्यूज चल रही थी। अमेरिका में एक बच्ची थी बहुत छोटी, जो ये भी नहीं जानती थी क्या होता अमेरिका की में रहने वाली बच्ची, क्या मरण क्या जिंदा, वैसे तो जानते थे वो मर गए। तो रेडियो पर जो न्यूज चल रही थी उसने सुन ली, गोली मारकर हिंसा कर दी, उनको मार दिया,
महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई, बस वो बच्ची बोलती है अपने माता पिता से, देखो अहिंसा कैसी होती है, उसे किसी सिखाई नहीं, कर्म का उदय नहीं, स्वभाव कैसे होता है। उस बच्ची ने एक ही बात बोली, मम्मी पापा यदि दुनिया ने बंदूक ना बनाई होती तो कितना अच्छा होता। ये करुणा कहां से, भाव कहां से आए, जीव का स्वभाव है, अहम स्वभाव भूल चुके हैं। पानी का स्वभाव कैसा है, शीतल, उसमें किसने शीतलता डाली क्या, नहीं डाली, स्वभाव से, नेचर से। नीम कड़वी, इसका नेचर स्वभाव। गन्ना मीठा, नेचर स्वभाव। ऐसे तुम्हारा स्वभाव दया और करुणा, ये किसी ने डाली नहीं है, ये स्वभाव है, ये नेचर है। पर आदमी इस नेचर को भूल चुका है, इसलिए उसे बार बार उपदेश देना पड़ता है। ये जीव का स्वभाव है, और स्वभाव का नाम क्या होता है, वत्थु स्वभावो धम्मो, आ गया ना, वस्तु का स्वभाव, इसी का नाम तो धर्म है। धर्म किसे कहेंगे, कौन लोग हैं जो धर्म की परिभाषा बता पाएंगे। धर्म की एक परिभाषा मात्र नहीं है, वस्तु का स्वरूप का नाम धर्म है। धम्मो वत्थु स्वभावो खमादिया दसवेहो धम्मो रैनत्यम च धम्मो जीवानम लखनम धम्मो। इतनी विशेषताएं हो गई, इतनी परिभाषाएं हो गई। कार्तिकानुपेक्षा में 478 नंबर की गाथा में ये बताई परिभाषाएं। सबसे पहले कौन सी बताई, वत्थु स्वभावो धम्मो, ये आपका कहना, ये सबसे पहले बताई। इसमें उल्टा क्रम चलता है, सबसे पहले आएगा रैनत्यम जीवानम लखनम धम्मो, पहले कौन सा आएगा, जीवों की रक्षा करना ही धर्म है। बताओ दया और अनुकंपा सबसे पहला धर्म है कि नहीं है। जीवानम लखनो धम्मो जब आएगा, फिर रैनत्यम च धम्मो, जब जीवों पर दया पालोगे तब रत्नत्रय लोग, रत्नत्यम च रत्नत्रय धर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद दसवेहो धम्मो क्षमा दी, क्षमा माधव आदव, ये 10 प्रकार के धर्म हो जाएंगे। फिर लास्ट में आएगा वत्थु स्वभावो धम्मो, धम्मो वत्थु स्वभावो, ये क्रम है। ऐसा नहीं कि पहले आत्मा का स्वभाव प्राप्त हो जाए, फिर बाद में क्षमादि धर्म आ जाए, फिर रत्नत्रय आ जाए, फिर जीवों की रक्षा हो जाए। पहले जीवों की रक्षा, इसलिए याद है, क्योंकि उसमें स्वास्थ्य सिद्ध हो रहा है, अपनी मत की पुष्टि हो रही है, और कुछ त्याग नहीं करना पड़ रहा है, फिर भी धर्मात्मा है। रेणसार ग्रंथ में लिखा है, जो धन संपन्न होकर के भी मुनि को दान नहीं देता, भगवान की पूजा नहीं करता, फिर भी अपने आप को धर्मात्मा मानता है, वो मर करके कुमानस होगा, त्रियंच होगा, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी नहीं कर रहा है। उसके पास धन संपत्ति है, फिर भी दान के भाव उत्पन्न नहीं हो रहे, पूजन के भाव उत्पन्न नहीं हो रहे, समझ लेना मर करके ये फिर भी अपने को धर्मात्मा मान रहा है, ये मायाचारी कर रहा है, अपने साथ मायाचारी कर रहा है, दूसरे के साथ नहीं, किसके साथ, खुद के साथ। हैं, तुमसे अच्छा तो ग्वाला है, ग्वाला मायाचारी करता, बताओ क्या करता है वो, दूध लगाने वाला क्या मायाचारी करता है, बोलो ना, दूध में पानी मिलाता है, लेकिन जब खुद पीता है तो नहीं मिलाता, वो खुद के साथ मायाचारी नहीं करता, दुनिया के साथ करता है, पर तुम तो खुद के साथ कर जाते हो, तो मतलब आप अपने ऊपर नहीं लेना हम तो ऐसी मायाचारी कर जाते हैं, कैसी मायाचारी कर जाते हैं, यही ये मत समझो कि हम दूसरे को ठग रहे हैं, ठगे तो कौन जा रहे हैं, स्वयं। अध्यात्म ग्रंथों का अर्थ का अनर्थ निकाल करके हमें चल रहे, याद रखना, करुणा की शाखा पर ही आनंद के फूल लगते हैं, करुणा की शाखा नहीं है तो आनंद के फूल, धर्म के फूल नहीं लगेंगे, और हिंसा की शाखा पर तो बबूल के कांटे लगा करते हैं, जहां हिंसा है वहां बबूल के कांटे हैं, यानी पाप दुख आश्रव नरक दुर्गतियां, और जहां पर करुणा है वहां की उसकी शाखा पर तो आनंद के फूल ही लगेंगे, आनंद है, पुण्य है, सुख है, अध्यात्म है, धर्म है, सब कुछ है। करुणा को छोड़ करके धर्म होता नहीं, अहिंसा परमो धर्म की जय। क्यों बोलते हैं हम,
महाराज जी हम तो बोलते हैं सत्य अहिंसा से हमारा इतना ही नाता है कि दीवालों पर लिख दिया जाता है, बोलो ना, और दीवाली पर पूरा पुत जाता है। सत्य अहिंसा की बात बताता हूं, सत्य अहिंसा से हमारा इतना ही नाता है कि दीवालों पर लिख जाता है और दीवाली को पुत जाता है। ये क्या आज इसने लिखा, चेहरे में चेहरे हैं और बहुत ही गहरे हैं, चेहरे के अंदर चेहरे हैं और बहुत गहरे हैं। सच पूछो तो हम सत्य और अहिंसा के बारे में अंधे और बहरे हैं। सत्य और अहिंसा का आज कोई देखना सुनना नहीं चाहता इसके बारे में, बहुत हम अंधे हैं इसके बारे में। इसलिए कह रहे हैं जो एकांत धारणा बनाकर बैठे, एकांत मिथ्या दृष्टि है, मात्र एक नए को पकड़ करके बैठे हैं, वो यही कह रहे हैं अरे ये तो दया करना, साधु को तो आत्मा में लीन होना था, कहाँ वो हथकरघा का उपदेश दे रहे हैं। साधु को तो आत्मा में लीन होना चाहिए था, वो कहाँ पर गौशालाओं का निर्माण करा रहे हैं, उन्हें क्या भैया दया के बिना कैसे काम चलेगा ये तो बताओ, दया के बिना धर्म होगा क्या, ग्रस्त कैसे धर्म दया का पालन करेंगे। ये उपदेश दिया जा रहा है, महाराज काम नहीं कर रहे, महाराज हमारे उपदेश दे रहे हैं दया का, धर्म का, कि ग्रस्तो तुम्हें दया का पालन करना है। फिर काय का उपदेश दें यदि दया और दान का उपदेश ना दें तो। आपको प्रवचन सार में लिखा ही है सोपयोगी मुनिराज के लिए दान पूजन आदि का उपदेश देना चाहिए। ये गाथाएं क्यों नहीं पढ़ते लोग, स्वाध्याय क्यों नहीं करते लोग, कि जीवानम लखनम धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। रय नत्यम च धम्मो, रत्नत्रय का पालन करना धर्म है। खमादिय दस बहो धम्मो, क्षमा आदि दस प्रकार के धर्म हैं। ये तीनों को भूल क्यों जाते हैं, एक ही याद रहता बत्थु सुहाओ धम्मो, ये जब लास्ट में है वही पहले याद रहता है, बाकी तीन का सब। और हो रहा है आज वर्तमान में जो आचार्यों की बातें हैं मुख्य गाथाएं, उनको अंडरग्राउंड कर दिया जाता है और अपनी बातों को अंडरलाइन कर दिया जाता है लाल लाल से, ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, ये धर्म है, ये मर्म है, खरोच है, आनंद ही आनंद है, आ हा हा हा, क्यों फुंदी लाल जी बाबू लाल, वाह वाह वाह, आनंद ही आनंद चल रहा है। ये अध्यात्म का अजीर्ण कहना चाहिए, दया को छोड़ करके, अहिंसा को छोड़ करके, मात्र कहते अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म, कहाँ से आएगा। फूल के बिना फल देखा क्या, व्यवहार के बिना निश्चय मिल सकता है क्या, कभी नहीं। पर फूल को तोड़ मड़ोड़ करके आप अलग कर दोगे फिर फल कहाँ से पाओगे। आपने देखा होगा ककड़ी हो, लौकी हो, गिलकी हो, पीछे से फूल क्या बनता जाता है, फल के रूप में परिवर्तित होता जाता है। ऐसे ही व्यवहार रूपी फूल से ही निश्चय रूपी फल उत्पन्न होता जाता है। आपने उसको फूल को तोड़ दिया तो फल कहाँ से पाओगे। आज वर्तमान में इस चीज की बहुत आवश्यकता है निश्चय और व्यवहार को समझने की, लेकिन व्यक्ति निश्चय और व्यवहार को समझना ही नहीं चाहता, एकांत धारणा बना करके बैठा है, ये समझ लेना वह दुरुपयोग कर रहा है। किसका, अध्यात्म का। ज्ञान सही है तो कल्याण है, वरना दिक्कत है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा ये नए चक्र है, व्यवहार निश्चय आदि नए हैं, चक्र माने इनका समूह है, और चक्र माने आयुध भी होता है। तो लिखा हुआ ये नए चक्र है, जिसे सही सही उपयोग करना नहीं आता वो अपनी ही गर्दन काट लेता है। रावण ने क्या किया था, चक्र चलाया किस पर, लक्ष्मण जी पर, पर नारायण पर कभी लक्ष नहीं चलता चक्र, अपने कुटुंबियों पर नहीं चलता, चलाया नहीं चला, लौट करके आ गया और तीन प्रदक्षिणा दी और लक्ष्मण जी के हाथ में आ गया, और चला तो रावण की ही, जिसने चलाया उसी की गर्दन ले गया। ये नए चक्र हैं,
यदि चलाना नहीं आता स्वयं अपना घात कर लोगे, अहित हो जाएगा, मिथ्यात में आ जाओगे, दुर्गति में चले जाओगे। इसलिए कौन सा नय कहाँ लगाना, कौन से धर्म का व्याख्यान कहाँ करना, इसे समझो। खादर साह भील, पुरवा भील, इन्हें वस्तु का स्वभाव धर्म नहीं समझाया जाता, मांस का त्याग करना ही धर्म बताया। आचार्यों ने उन्होंने पूछा, हमें भी कुछ धर्म का उपदेश दो। बोले तुम मांस का त्याग कर दो। बोले हम मांस का त्याग नहीं कर सकते। कौए का मांस का त्याग कर दो, यही तुम्हारे लिए धर्म है। ऐसे जीवों को हम क्या अध्यात्म पढ़ाएं, आत्मा अलग है शरीर अलग है, उन्हें तो सबसे पहले कौन सा धर्म बनेगा, बोलो ना, जीवों की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। वही पुण्य है, वही धर्म है, वही सब कुछ है, क्योंकि अब आपकी प्राथमिक दशा है। कोई व्यक्ति, कोई छोटा सा बच्चा पढ़ने आता है, उसे सीधे पांचवी की क्लास पढ़ाता है कि ABCD और आवा सादा पढ़ाता है, बोलो ना, आपके लिए क्या पढ़ाएं हम, पहले समयसार पढ़ा दें, मूलाचार पढ़ा दें, कि पहले आपको आचार सिखा दें, बोलो क्या सिखा दें। अभी पूछा था, एक का भी उत्तर नहीं मिला। पूछा था दया किस कर्म को दय से होती है, एक कर्म निरपेक्ष भाव है, किसी कर्म को दय से नहीं होती। फिर पूछा पारिणामिक भाव किसे कहते हैं, उत्तर नहीं आया। ये बड़ी बड़ी बातें बताने से कोई फायदा नहीं है, आपको लिंक से पढ़ाना ही बहुत महत्वपूर्ण है। और आज दया के संस्कार आ गए, समझो आपने बहुत कुछ धर्म कर लिया। दया के बारे में तो इतना तक लिखा है, चाहे तुम सुमेरु पर्वत के बराबर स्वर्ण का दान कर दो और चाहे एक जीव की रक्षा कर लो, बराबर पुण्य लगता है। जीवों को रक्षा का फल इतना है। और आप लोग बोलते हैं जान बची तो लाखों पाए, कि लाख उपाय, लाख उपाय भी और लाखों पाए भी, समझो आपने लाखों का दान कर लिया, ये मान करके चलिएगा दोनों आपने प्राप्त कर लिए, क्योंकि आपने जीवों की रक्षा कर ली। जो एकांतवादी वो यही कहते हैं, अरे दया का पालन करना ये तो मोह मूढ़ता है। अब चलिएगा, अपन ने एक बात तो समझ ली, दया किसी कर्म के उदय से नहीं होती, ये पारिणामिक भाव है, ठीक है ना। अब दूसरा, मोह कौन से कर्म के उदय से होता है, ये तो सहज है, बता पाओगे आप, मोहिनी कर्म, ठीक है ना। मोहिनी कर्म, अब पांच भावों में से कौन सा भाव है, पांच भाव पढ़े आप लोगों ने, तत्वा सूत्र के दूसरे अध्याय का पहला सूत्र, औपशमिक, छायक और बोलो तो भैया पांच भाव, छायक, मिश्र, पारिणामिक और छायोत्सम, ठीक है ना। चलिए तो माइक्रम से ले लिया हमने, ये पांच भाव में से कौन सा है, पारिणामिक भाव तो मोहिनी कर्म है, बोलो, ओदिक भाव, छायोत्समिक भाव, मिश्र भाव, या फिर कुछ बोलो तो भाई, कौन सा भाव है, छायक, ओदिक भाव, कौन सा भाव है, ओदिक, जो कर्म के उदय से हो कौन सा है, वो ओदिक भाव। तो मोह मोहिनी कर्म के उदय से होता है, इसलिए कौन सा भाव हो गया, ओदिक भाव। ओदिक भाव और पारिणामिक भाव क्या एक है, नहीं है, क्यों, ओदिक भाव कर्म के उदय से होते हैं और पारिणामिक भाव किसी कर्म के उदय से नहीं होते, दोनों एक से नहीं होते। तो अब दया और मोह एक हो जाएंगे क्या, दया पारिणामिक भाव है और मोह ओदिक भाव है, तो ओदिक भाव और पारिणामिक भाव एक हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, इसलिए दया और मोह कभी एक नहीं हो सकते। जी यहां पर लिखा ना क्या, पर दया करना बहिर दृष्टि सा मोह मूर्ता सा, मोह है क्या, दया अलग है और मोह अलग है। इसी प्रकार से मैं करेली में उपदेश दे रहा था, क्या दे रहा था,
उन्होंने कहा महाराज गौशाला में जो हिंसा होती है, हमने उनसे पूछा गौशाला हिंसा के लिए खोली जाती कि अहिंसा के लिए खोली जाती है, उद्देश्य बता दो पहले। बोले महाराज ठीक है, लेकिन जो गाय के पैर में कीड़े पड़ गए अब उन्हें मारना पड़ेगा कि नहीं मारना पड़ेगा, हिंसा होगी कि नहीं होगी, जो गोबर होगा वो उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा, हिंसा होगी कि नहीं होगी। हमने कहा ये बताओ आपका बच्चा जब छोटा था तब कहाँ जाता था पोटी करने, बोलो ना, घर में कि गांव में जाता था, तो उसको उठाते थे, भगवान ना करे पैसे यदि मान लो तुम्हारे बेटे के पैर में कीड़े पड़ जाए तो क्या करोगे, बोलो ना, हैं निकालेंगे अलग करेंगे ना, बोलो ना। तो ये राग है, ये मोह है, ये अधर्म है। लेकिन यदि चलती हुई गाय कोई आपको बीमार मिल जाए उसका इलाज करोगे तो ध्यान रखना वो धर्म हो जाएगा, क्योंकि वो मोह नहीं। किसी भी जीव पर दया पालना ये धर्म है, और अपने बेटे का इलाज मात करना ये मोह है। मोह को तो तुम धर्म मान रहे हो, और धर्म को तुम, ये किसने पढ़ा दिया तुम्हें, किसने सिखा दिया ये? उन्होंने कहा जी महाराज जी अब समझ में आया, ये हम राग बस कर रहे हैं बेटे के साथ, और वो धर्म बस कर रहे हैं, करुणा बस कर रहे हैं। बहुत अंतर होता है इस चीज को समझने के लिए कि दया क्या है और मोह क्या है, राग क्या है, दया क्या। अभी किसी ने कहा ना जिसानों से मोह हो गया सो हमने दया कर दी, अब महाराज जी दया पालते तो मोह ही है क्या? वो राग है, वो अधर्म है। जिन जिन से तुम्हें प्रेम है उनकी सेवा कर रहे हो ये राग है, लेकिन गायें जहाँ हैं वो मूक हैं, उनसे कोई संबंध नहीं है, वे बेचारे दुखी हैं, उनको अकाल मरण से बचा रहे हो, ये सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि दोनों के परिणामों में जमीन आसमान का अंतर है। अब समय कम है, वरना आपको हम हिंसा अहिंसा के समीकरण समझाते, और 5 समीकरण बनते हैं। कितने बनते हैं? 5 समीकरण बनते हैं। उन 5 समीकरण में समझो हिंसा ना करते हुए भी हिंसा है, और हिंसा करते हुए भी अहिंसा है। बहुत सारे समीकरण हैं जो आपके सामने, जैसे हमने आंसुओं का समीकरण समझाया था ना, ऐसे कल आप क्या समझाया जाएगा? हिंसा हिंसा। यदि कल आपने हिंसा हिंसा समझ ली तो समझो आपके अंदर धर्म के अंकुर आए बिना रह नहीं सकते। आप धर्म को समझ ही जाओगे यदि वो 4-5 समीकरण आपने समझ लिए क्या हैं, जो पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में जो बताए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि बंधुओं जब तक हम जीवों की उत्पत्ति स्थान नहीं समझेंगे, हिंसा हिंसा नहीं समझेंगे, तब तक धर्म का पालन तो कर ही नहीं सकते। एक थोड़ी हंसी की बात हो जाए, बहुत सीरियस विषय हो गया आज। एक सज्जन हमारे पास आए, बोले महाराज जी आप जब यहाँ से जाओगे, यहाँ की बात नहीं कहीं दूसरे, जब आप यहाँ से जाओगे तो हम कहीं आपको दिख जाएंगे तो आप पहचान जाओगे कि नहीं पहचान जाओगे? हमने कहा भैया हमें तो कहीं चींटी भी मिल जाती तो पहचान जाती, कहीं घास भी मिल जाती तो ही पहचान जाते हैं, आप पंचेंद्री जीव हैं, मनुष्य हैं, क्यों नहीं पहचानेंगे आपको? हम वो नहीं कह रहे हैं महाराज जी। हमने कहा नहीं, जो जीवों की उत्पत्ति स्थान नहीं पहचानता वो संयम का पालन कैसे करेगा? सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? हम आपको पहचान जाएंगे आप कहीं भी आओगे तो, आप पंचेंद्री हैं मनुष्य पहचान जाएंगे, इसमें क्या बात है? और आप कौन सी पहचान बनाना चाहते? नहीं हम फलाने मोहल्ले में, फलाने गली में, फलाने मकान में, फलाने चंद, फलाने फलाने हैं, ये कब से और कब तक रहोगे? ये थोड़ी तुम्हारी पहचान है। पहचान क्या है? जो जीवों की उत्पत्ति स्थान नहीं जानता वो दया का पालन नहीं कर सकता। एक बूंद अनछने पानी में कितने जीव हैं ये नहीं जानता, वो दया का पालन नहीं कर सकता। ठंडे गर्म पानी में आपस में मिलाने में सचित्त अचित्त हो जाता है, उसमें जीव की प्रार्थना होती नहीं जानेगा तो ठंडे पानी में गर्म पानी मिला देगा वो। गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं? ये सब जो नहीं जानेगा वो संयम का पालन कैसे करेगा?
इसलिए जानना जीवों की उत्पत्ति कैसी होती, ठंडा गर्म मिलने से कैसी उत्पत्ति होती, शीतोष्ण मिलने से कैसी उत्पत्ति होती है, ये सब सम्मूचन जीवों की उत्पत्ति कैसे होती रहती। आप लोगों ने देखा होगा सम्मूचन जीव के बारे में विज्ञान कोई जवाब नहीं दे पाता। पहले के जमाने की बात है, घिनौची होती थी, घिनौची जानते घिनौची, जहाँ बर्तन वर्तन पानी आने का व्यवस्था रहती थी, है ना। तो पहले फ्रिज नहीं थी, रेफ्रिजरेटर नहीं था पहले, तो क्या करते थे, एक फट्टी रहती थी सूत की, उस फट्टी के अंदर सब्जियां लपेट करके रख दिया जाती थी, बोलो, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया जाता था, फिर उसको दो दिन बाद देखते थे पीछे झींगुर आ जाते थे, इतने बड़े बड़े, वे कहाँ से आते थे, कांकरो धीमर कहाँ से पैदा हुए, ये सम्मूर्छन जीव हैं, इन्हें माता पिता की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप उत्पन्न होते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, शीत उष्ण या शीत उष्ण दोनों मिलकर के योनि बन जाती, योनि स्थान में उत्पत्ति स्थान, वो अपने आप इधर उधर से परमाणुओं को इकट्ठा करके अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, इन्हें बोलते सम्मूर्छन जीव। पानी गिरते ही मेंढक घूमने लगते हैं, कहाँ से आते हैं, कि ऊपर से टपकते हैं क्या, कि जमीन से निकलते हैं? नहीं, जिस छेद में पानी गया वहाँ पर उष्णता थी, यहाँ पर शीत गई, दोनों मिल गई, मिलने के बाद जीव आया वहाँ, उस पदार्थों को इकट्ठा किया, अपना निर्माण कर लिया। जब उत्पत्ति स्थान नहीं समझोगे तब तक धर्म का पालन संभव नहीं है, इसलिए बंधु ये समझना बहुत जरूरी है। कल अपन पांच समीकरण पढ़ेंगे, हिंसा के कौन से, बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में हिंसा अहिंसा को, दया मोह को समझ सकें और मोह का त्याग कर दया आदि का पालन कर सकें। नमो शिवाय।